हेलो फ्रेंड्स, पूजा की देसी गुजराती रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है मोहनथाल की रेसिपी, जो गुजरात की फेमस मिठाई है। अगर आपको ये मेरी मोहनथाल की रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोई एक कटोरी सेट कर ली है, यहाँ पर मैंने इस तरह की स्टील की कटोरी सेट कर ली है, तो सारे नाप मैं इसी कटोरी से ले लूँगी। अब एक कटोरी में यहाँ पर चीनी ले रही हूँ, आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। अब उसी कटोरी से मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तभी इसे हम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम बेसन को भून लेंगे। जिस कटोरी से हमने नाप लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर एक कटोरी घी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने घर का बना घी लिया है, जब हमारा घी गर्म हो जाए तो उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी फाइन वाला बेसन लिया है और एक कटोरी ददरा वाला बेसन लिया है। आप चाहे तो अकेले फाइन वाले बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन ददरा बेसन ऐड करने से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसे हमें भून लेना है। अभी आपको थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, जैसे जैसे हमारा बेसन भुनना शुरू हो जाएगा तो इसमें से घी अलग होना शुरू हो जाएगा। तब इसे हम धीमी आंच पर लगातार चलाते रहेंगे, हमें बेसन को धीमी आंच पर ही भुनना है। अब जैसे जैसे हमारा बेसन भुनना शुरू हो जाएगा तो इसमें से घी अलग होने लगेगा और हमारा बेसन एकदम हल्का हल्का लगेगा। अब यहाँ पर हमने बिना धाबे वाला मोहनथाल बनाया है, तो हम बाद में थोड़ा सा दूध इसमें ही ऐड कर देंगे ताकि हमारा बेसन में अच्छे से मावा जैसा टेक्सचर आ जाएगा। अब हमारा बेसन आप देख सकते इस तरह का भुनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी चाशनी भी एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसके लिए आप चेक कर सकते इस तरह से उंगली की मदद से आप चेक कर ले तो एक तार बनना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा उंगली की मदद से चेक करेंगे तो एक तार हल्का सा बनना शुरू हो चुका होगा। तब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ही डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दिवाली की मिठाई में कलरफुल मिठाई भी बहुत बढ़िया लगती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने फूड कलर यूज़ किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा बेसन भी अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। तब यहाँ पर हम एक चम्मच की मदद से दूध ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। यहाँ पर एक चम्मच मैंने दूध ऐड कर दिया है, इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके चार चम्मच जितना दूध ऐड करेंगे। इससे हमारे बेसन में मावा जैसा टेक्स्चर आ जाएगा और हमारा मोहनथाल एकदम दानेदार बनेगा। तो इसीलिए हमें धाबा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं। अब इसी तरह से एक एक चम्मच दूध ऐड करते हुए इसे मिक्स कर देना है, एक साथ नहीं डालना है, एक एक चम्मच ऐड करते हुए इस मिश्रण को मिक्स कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन कितना फ्लफी हो चुका है और उसका टेक्सचर भी दानेदार हो चुका है। तो आखिर दूध भी ऐड करते हुए इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब उसमें हम हमारी चाशनी को ऐड कर देंगे। अब चाशनी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ढीला लगेगा, बाद में जैसे जैसे वो पकेगा और पैन को छोड़ने लगेगा। अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो ये ऐड कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है, आप चाहे तो जायफल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर अभी ड्राई हो चुका है, पैन को छोड़ने लगा है, तो हमारा मोहनथाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे ताकि हमारा मोहनथाल अच्छे से जम जाए।
तो गरम गरम कभी भी ट्रे में नहीं डालना चाहिए, तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है, तो अब इसमें हमारा मिश्रण ऐड कर देंगे। हमारा मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही ऐड करना चाहिए, वरना उसके पीसेस अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, एकदम चिकना कर लेना है हमें। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर से मैं यहाँ पर मगजदरी के बीज ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो ही ऐड कर दें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने मगजदरी के बीज को अच्छे से लगा दिया है। अब ऊपर से इस तरह से स्पैचुला से फैला देंगे ताकि वो अंदर तक बैठ जाए और वो बिखरे नहीं। तो इस तरह से दबा देंगे स्पैचुला की मदद से। अब हमारा मोहनथाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम जब गरम गरम हो तभी हम इसमें पीसीस लगा देंगे, कट लगा देने हमें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद कट नहीं लगेंगे, तो इसे गरम गरम ही कट लगा देंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो ट्रायंगल या डायमंड शेप भी दे सकते हैं। अब हमारा मोहनथाल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाद में इसके पीसीस बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद इसके पीसीस बना लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से पीसीस बनकर तैयार हो चुकी है हमारे। अगर आपके मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।